नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। इंटरनेट की बदौलत चीजें बहुत आसान हो गई हैं। इससे जहां अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, वहीं काम भी मिनटों में हो जाता है। इसी का परिणाम है दिल्ली पुलिस ने अपनी ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इसी श्रृंखला में दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में पब्लिक एम्यूजमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, ताकि मनोरंजन गतिविधियों का ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त किया जा सके। एक रिपोर्ट। सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके पीछे पुलिस का मकसद लोगों को बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि राजधानी वासियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और समय भी ज्यादा ना लगे। इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जयसिंह रोड स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पब्लिक एम्यूजमेंट पोर्टल लॉन्च किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जाहिर है, इस पोर्टल के लॉन्च होने से अब दिल्ली में मनोरंजन गतिविधियों का लाइसेंस आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा कारोबार और उद्यमिता को आज लॉन्च किए गए पोर्टल से अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिलेगा। पहले बिजनेस शुरू करने के लिए जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी, वो बहुत लंबी थी और थका देने वाली थी, जिसमें समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। आज लॉन्च किए गए पब्लिक एम्यूजमेंट पोर्टल से अब एंटरप्रेन्योर्स को इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। अब ऑडिटोरियम्स, अम्यूजमेंट पार्क, वीडियो गेम पार्लर्स, म्यूजिकल एंड डांस परफॉर्मेंस, पब्लिक थिएटर परफॉर्मेंस, रामलीला का मंचन, सर्कस, रेसलिंग जैसे परफॉर्मेंस के लिए जो लाइसेंस पाना बहुत आसान हो जाएगा। इस पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर एक वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। इस फिल्म के जरिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने से लेकर उसके जारी होने तक की प्रक्रिया के हर पहलू के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग इकाई ने दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से इस एकीकृत पोर्टल को विकसित किया है। इसका उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया को प्रभावी और सरल बनाना है। नए पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस पाने वालों के लिए एकल खिड़की की सुविधा मिलेगी। नगर निकाय, दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली पुलिस और लाइसेंस से जुड़ी अन्य सभी एजेंसियां इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। अब इस पोर्टल के जरिए लाइसेंस और इससे संबंधित दूसरी जो जरूरी एनओसीज वगैरह हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया से आपको हासिल हो जाएंगे। इसके लिए कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे न सिर्फ दिल्ली में बिजनेस को आसान बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि बिजनेसमैन को भी बहुत ज्यादा फायदा। इस एकीकृत पोर्टल से अब ऑडिटोरियम, एम्यूजमेंट पार्क, वीडियो गेम पार्लर्स, म्यूजिकल सेंटर्स, पब्लिक थिएटर परफॉर्मेंस के लिए लाइसेंस पाना काफी आसान हो गया है। इस पोर्टल के जरिए लाइसेंस और इससे संबंधित दूसरी जरूरी मंजूरी या एनओसी को आसानी से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लाइसेंस जारी होने से न सिर्फ बिजनेस करना आसान होगा, बल्कि व्यापारियों को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। अभी तक कैजुअल परफॉर्मेंस लाइसेंस, जिसे हम CPL के नाम से जानते हैं, इसके लिए अप्लाई करना और उसकी प्रोसेसिंग आंशिक रूप से डिजिटल हो पाई थी। अब तक चली आ रही व्यवस्था के अनुसार इच्छुक व्यक्ति CPL के लिए ऑनलाइन अप्लाई तो कर सकते थे, परंतु उसके बाद विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे पुलिस, फायर, इलेक्ट्रिकल, MCD इत्यादि विभागों से NOC मांगना और उन्हें रिकॉर्ड पर लाकर CPL को प्रोसेस करने की प्रक्रिया मैनुअल ही थी, जिसमें अक्सर काफ़ी समय लग जाता था। ऑडिटोरियम, अम्यूजमेंट पार्क, वीडियो गेम पार्लर के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मैनुअल ही चली आ रही थी। अब नवीन पब्लिक एम्यूजमेंट पोर्टल के लॉन्च के साथ ये सभी प्रक्रियाएं पूर्णतः ऑनलाइन हो गई हैं।
खास बात ये है कि इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कभी भी कहीं भी लाइसेंस पंजीकरण से संबंधित जानकारी ली जा सकती है और आवेदन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस पोर्टल पर आवेदन से जुड़ी कमियों को समयबद्ध रूप से सुधारा भी जा सकता है। आवेदकों को इस पोर्टल पर उनके आवेदन की स्थिति के बारे में स्वचालित अपडेट और सूचना प्रदान की जाएगी। आवेदन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद बिना किसी देरी के लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। विगत दिनों में ईटिंग एंड लॉजिंग हाउस पोर्टल सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन करी गई थी। इस पारदर्शिता का एक उद्देश्य यह है कि जनता किसी प्रकार के छलावे में पड़कर दलाल, टाउट, मिडलमैन के चक्रों में ना पड़े। इस क्रम में अब पब्लिक अम्यूजमेंट पोर्टल को पूर्णतः ऑनलाइन किया गया है। आप सबसे निवेदन है कि इस ऑनलाइन सेवा का प्रयोग करें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण पर भी प्रभावी रोकथाम लगाई जा सके। ये पोर्टल मनोरंजन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यकीनन इससे दिल्ली में मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का ये एक महत्वपूर्ण कदम है। लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से उद्यमियों का समय और धन दोनों की बचत होगी और दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। Look at him, the life of the party. Everyone loved him. You want that, don't you? To be the legend he was. Just one hit, and you can be just like him. Imagine the attention, admiration. You'll be the star of the show. One call, one hit. It's so easy to become the legend you were born to be. Do it, you know you want to. Just one call, and you're there. You're stronger than this. अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। द्वारका जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी जालसाज लक्कू अखिलेश्वर रेड्डी को दबोचा है। पकड़ा गया आरोपी अपने टेलीग्राम ग्रुप में लोगों को जोड़कर उन्हें ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब देने का लालच दिया करता था।
जॉब के लालच में आकर लोग जब आरोपी के झांसे में फंस जाते थे तो ये उनसे अलग अलग हथकंडे अपनाकर अपने बैंक खातों में अच्छी खासी रकम ट्रांसफर करवा लिया करता था। इसी तरीके से इसने एक व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित से शिकायत मिलने पर द्वारका जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और रकम ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खातों के जरिए आरोपी की पहचान हैदराबाद निवासी लक्कू अखिलेश्वर रेड्डी के रूप में की। इसके बाद पुलिस की एक टीम हैदराबाद पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। एक्यूज पर्सन ने पार्ट टाइम जॉब के नाम पे टेलीग्राम ऐप में उसको रजिस्टर कराया और उसको बेनिफिट का लालच देख के उससे टास्क कुछ असाइन करने के लिए दिए गए। उसमें से एक टास्क इस तरीके से भी था कि किसी कंपनी के रेटिंग को बढ़ाना था, बट एक्यूज्ड ने सेम टाइम हमारे विक्टिम से पैसे 20 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र करा लिए, बट किसी तरीके का बेनिफिट भी उसको नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी की वारदात में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या की कोशिश के मामले में दो वांटेड अपराधी मनीष और मोनू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपने दोस्त के कहने पर डाबरी इलाके में रहने वाले एक युवक पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे। इसी मामले में पुलिस को दोनों आरोपियों की लंबे समय से तलाश थी। इसी बीच पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि डाबरी पुलिस थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में वांटेड आरोपी द्वारका इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर फौरन पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। मध्य जिला पुलिस ने झपटमारी करने वाले चार आरोपी ऋषभ, ललित, हिमांशु और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों आरोपियों पर चोरी, झपटमारी और लूटपाट के कई मामले पहले से दर्ज हैं। झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने के लिए आरोपी पहले चोरी की बाइक का इंतजाम करते, जिसके द्वारा ये झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से किसी भी राहगीर की सोने की चेन या अन्य कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो जाते थे। ऐसे एक रोज जब आरोपी छीनी गई सोने की चेन को बेचने के इरादे से मिंटो रोड के नजदीक आने वाले थे तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस पर फौरन एक पुलिस टीम ने वहां छापेमारी की और चारों आरोपियों को धर दबोचा। द्वारका जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक महिला से ठगी करने के आरोप में उत्तम सागर गुप्ता नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने द्वारका इलाके में बैटरी की दुकान चलाने वाली एक महिला को सेना की जीप की 10 बैटरी खरीदने के लिए कॉल किया था। इसके तहत आरोपी ने पीड़ित महिला को आर्मी का आईडी कार्ड और कैंटीन कार्ड भेजा और बैटरी धोलाकुआं स्थित आर्मी स्कूल के नजदीक डिलीवर करने की बात कही थी। बैटरी मिलने पर आरोपी ने ऑनलाइन पेमेंट करने के बहाने पीड़ित महिला को अपने जाल में फंसा लिया और पीड़िता के खाते से 10 लाख रुपए से अधिक की रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। ऑनलाइन ठगी का शिकार बनी महिला ने इसकी शिकायत द्वारका जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में कराई थी। इसी आधार पर पुलिस ने गहनता से छानबीन करते हुए रकम ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल बैंक खातों और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन को बिहार के पटना में ट्रैक कर लिया। इसके बाद एक पुलिस टीम वहां पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। महिला को एक अननोन नंबर से एक कॉल आती है कि आपकी बैटरी की शॉप है और आर्मी को इस समय अपने व्हीकल्स के लिए, अदर यूज के लिए बैटरीज की जरूरत है। महिला से उस ऑर्डर को प्लेस करते हैं ऑनलाइन और साथ ही साथ वो बैटरी सप्लाई करने के लिए महिला को बोलते हैं। महिला बैटरी सप्लाई करती है, इन द मीन टाइम उसी नंबर से कॉल आती है कि आपकी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी तो आप अपने अकाउंट डिटेल दे दें। महिला गुड फेथ में अपने अकाउंट्स को शेयर करती है और वेरीफाई करने के नाम पे उनसे वो कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और उनको इमीडिएटली रिटर्न कर देते हैं। जो एक्यूज्ड है वो महिला का ट्रस्ट जीत कर उससे और पैसे ट्रांसफ़र कराता है। महिला ट्रांसफ़र करती है पैसे, बट वो कहते हैं कि अभी पैसे लग रहा है, ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है। महिला से और पैसे ट्रांसफ़र कराते कराते उनसे लगभग 10.5 लाख रुपए ये लोग चीट कर लेते हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन सहित कई सिम कार्ड्स बरामद किए हैं।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध गतिविधियों में शामिल विशाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी जहांगीरपुरी का रहने वाला है और जिम ट्रेनर है। जहांगीरपुरी में ही ये जुए और सट्टे के कारोबार में शामिल बदमाशों के बीच अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। इसके लिए आरोपी विशाल अपने साथ हथियार लेकर चलता था ताकि अगर उसके काम में कोई बाधा बने तो उसे तुरंत सबक सिखाया जा सके। क्राइम ब्रांच को आरोपी के कारनामों की भनक अपने गुप्तचरों से मिली। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी विशाल असलाह लेकर जहांगीरपुरी के बी ब्लॉक में आने वाला है। इस पर फौरन एक पुलिस टीम ने निर्धारित स्थान पर ट्रैप लगाया और आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो पिस्टल सहित 25 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने बुराड़ी निवासी एक जिम ओनर पर फायरिंग करने के आरोप में आपराधिक गिरोह के तीन गुर्गे निखिल, मोहित, गगनदीप को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है। आरोपी जेल में बंद अपने आका के इशारे पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। बुराड़ी पुलिस थाने में PCR कॉल के जरिए एक जिम के बाहर फायरिंग की सूचना मिली थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने 500 से ज्यादा CCTV कैमरे खंगाले और आरोपियों के रूट की पहचान कर ली। इसी बीच मिली महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के लिए शूटर्स को अवैध हथियार मुहैया कराने वाले आरोपी गगनदीप को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने आरोपी निखिल और मोहित को दिल्ली के हिरण की गांव से घर दबोचा, साथ ही एक नाबालिग को अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो पिस्टल सहित 9 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जामा मस्जिद इलाके में हुई एक शख्स की हत्या की वारदात में शामिल फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार किया है। साल 2018 में आरोपी ने अपने परिवार के साथ मिलकर जामा मस्जिद इलाके में अजीज नाम के व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा था, जिसके बाद पीड़ित शख्स ने जामा मस्जिद थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी केस को वापस लेने के लिए आरोपियों ने अजीज पर दबाव बनाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो सभी ने मिलकर पीड़ित शख्स को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इरशाद के परिवार वालों को तो गिरफ्तार कर ही लिया था, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था। पेशी पर न आने की वजह से कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार दे रखा था, तभी से पुलिस को इसकी बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इरशाद बिहार के अररिया में अपना ठिकाना बनाए हुए है। पुलिस की एक टीम ने फौरन वहां रेड की और इसे धर दबोचा। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में विदिन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी व्हाट्सएप DP पर कुख्यात अपराधियों की तस्वीरें लगाकर रंगदारी वसूलने के धंधे को अंजाम देता था। इसी तरह आरोपी ने अशोक विहार इलाके के रहने वाले एक व्यापारी के बेटे को फोन कर उससे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन पुलिस ने रंगदारी मांगने में इस्तेमाल किए गए फोन नंबर्स की जांच पड़ताल की और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन को दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन सहित कई सिम कार्ड्स बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या और लूट के मामले में वांछित चल रहे आरोपी सुमित डागर को गिरफ्तार किया है। सुमित की रंजिश इमरान नाम के शख्स के साथ चल रही थी, जिसके चलते साल 2019 में आरोपी और इसके साथियों ने बिंदापुर इलाके में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस केस में आरोपी जेल गया था और COVID-19 के दौरान पैरोल पर बाहर आया था, मगर अवधि पूरी हो जाने के बाद भी इसने सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया। इस मामले में कोर्ट ने भी इसे भगोड़ा करार दे रखा था। आरोपी लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुटा था। साल 2022 में भी इसने अपने साथियों के साथ मिलकर हैदराबाद स्थित एक ज्वेलरी शॉप में हथियारों के बल पर 4 किलो गोल्ड और कैश लूट लिया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी थी। इसी का परिणाम रहा कि पुलिस को सुमित डागर के रोहिणी सेक्टर 34 के एक फ्लैट में होने की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इस पर बिना वक्त गवाए पुलिस टीम ने आरोपी के ठिकाने पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही।
दक्षिण जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के आरोप में भूपेश और दीपक नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम द्वारा जिला क्षेत्र में अवैध शराब तस्करों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी ताकि अवैध शराब तस्करी के गोरख धंधे पर अंकुश लगाया जा सके। इसी बीच पुलिस को झुग्गी बस्ती में अवैध शराब की खेप होने की गुप्त सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से वहां छापेमारी की और भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब के 2000 क्वार्टर बरामद किए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने चोरी के आरोप में नीरज कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी डीटीसी कंडक्टर के रूप में कार्य करता है। बाबा हरिदास नगर पुलिस थाने में एक शख्स ने मित्राओं गांव में स्थित अपने कमरे से सोने की दो चेन चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि चोरी का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी नीरज ही है। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए आरोपी के मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया और उसकी लोकेशन को राजस्थान के बहरोड में ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस टीम बहरोड पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने की दो चेन बरामद की है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण की गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी अपहरणकर्ता सेखू पर शिकंजा कसा है। आरोपी हत्या के एक मामले में मुजफ्फरनगर जेल में 7 साल की सजा काट चुका है। दिल्ली आने के बाद इसने यहां अपना ठिकाना बनाया और जल्द अमीर बनने के चक्कर में आरोपी ने दिल्ली में किसी बच्चे के अपहरण की योजना बनाई ताकि उससे बेचकर मोटा पैसा कमाया जा सके। इसी योजना के तहत आरोपी लाल किले के परेड ग्राउंड में एक माँ के साथ सो रहे 4 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर फरार हो गया। पीड़ित महिला से शिकायत मिलने पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव कर दिया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि बच्चे के अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर मेरठ जाने की फिराक में है। इसी आधार पर पुलिस ने फौरन संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बच्चे को सकुशल छुड़ाते हुए उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया है। द्वारका जिले के एंटी नारकोटिक सेल ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक अफ्रीकन नागरिक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी अपने एक अन्य अफ्रीकी साथी से ड्रग्स लेकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करता था। मुंबई रेलवे पुलिस द्वारा पहले भी इसे एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक अफ्रीकी ड्रग तस्कर द्वारका के एक निजी अस्पताल के नजदीक ड्रग्स की खेप के साथ आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछा दिया और जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 100 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद की है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।